प्रोग्राम को रन करने पर सबसे पहले हमारे सामने लॉगिन पेज आएगा। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आपको साइनअप करना पड़ेगा। साइनअप के लिए अपना फर्स्ट नेम डालिए, लास्ट नेम डालिए, यूजर नेम डालिए और पासवर्ड डालिए। अगर पासवर्ड आपके 8 अंकों से कम के होंगे तो आपको एक एरर दिखाई देगा, जिसकी आप इसमें भी देख पा रहे हैं। उसके बाद कंफर्म कीजिए पासवर्ड को, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए, कॉन्टैक्ट नंबर्स डालिए और क्लिक ऑन द साइनअप बटन। अब आपका साइनअप अकाउंट बन चुका है। अब आप लॉगिन पे जाइए और अपना अकाउंट लॉगिन कीजिए थ्रू यूजर नेम एंड पासवर्ड। क्लिक ऑन लॉगिन बटन। इसके बाद आप होम पेज पे जाएंगे। होम पेज से आप ऐड करने के लिए फीस के अंदर आपको बहुत सारे पेमेंट मोड मिल जाएंगे और आप डेट डालें, आप किससे पेमेंट ले रहे हैं वो बताएं, अपना सेशन डालें जिस सेशन की आप फीस कलेक्ट करना चाहते हैं, स्टूडेंट के रोल नंबर, उसके कोर्स जो जिसकी फीस वो देना चाहता है, कोर्स का अमाउंट डालने के बाद आप एंटर दबाएं, जिससे आपके GST ऐड होकर टोटल प्रिंट हो सके। रिमार्क्स और रिमार्क्स प्रिंट। यहाँ पे हमने रोल नंबर गलत डाले हैं, इसलिए हम एडिट पे जाएंगे और रोल नंबर को एडिट करेंगे एंड क्लिक ऑन द प्रिंट। अब आप फिर से प्रिंट रिसीव पेज पे आ गए। अब आप इसे प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट भी कर सकते हैं, लेकिन हम प्रिंट नहीं कर रहे। सर्च रिकॉर्ड पे जाइए। अब यहाँ पे स्पेसिफिक डाटा के साथ अपने फीस रिकॉर्ड्स को सर्च कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे कैश से सर्च कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे 3 नंबर का आपको डाटा दिख रहा है, वो पेमेंट मोड में कैश है, तो वो ऑटोमेटिक सर्च होकर वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, बाकी सभी डाटा डिस्पोज हो जाएंगे। इसमें टाइम लगेगा पर ये हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं ये केस ऊपर आ गया। एडिट कोर्स, इसमें आप कोर्स को एडिट कर सकते हैं, उसे डिलीट कर सकते हैं, उसे अपडेट कर सकते हैं। हमें कोर्स ऐड कर रहे हैं MBA की फीस के लिए, इसके प्राइस हमने 3000 रखी है। क्लिक ऑन ऐड। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे कोर्स ऐड हो चुका है। कोर्स की लिस्ट, आप यहाँ पे कोर्स की सारी डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ पे व्यू रिकॉर्ड्स में आप रिकॉर्ड्स देख सकते हैं। अबाउट पेज जो हमने कॉपीराइट और डेवलपमेंट के लिए रखा है, ये है हमारा व्यू रिपोर्ट पेज। इस पर आप स्पेसिफिक सेशन के अंदर या किसी भी टाइमलाइन के अंदर आप किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग सारी डिटेल्स की एक रिपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं। सबमिट कीजिए, प्रिंट कीजिए और ब्राउज करके आप उसे एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये एक्सपोर्ट हो चुका है। यही हमारा फीस मैनेजमेंट सिस्टम था। अभी से डायरेक्ट लॉग आउट कर सकते हैं। थैंक यू।